हेलो दोस्तों, आप सभी का रणवीर बठिंडा जाने में स्वागत है। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम ककड़ी की बुआई करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस जगह ककड़ी के बीज बीजने वाले हैं। हमने यहाँ पर ये ज़मीन को पहले से ही रेडी कर लिया है और अब हम ककड़ी के बीजों को इसी में ही बीजने वाले हैं। फ्रेंड्स, रीना जी भी मेरे साथ में ही हैं। तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये ककड़ी का बीज है। तो अभी हम इसको खोलेंगे। यहाँ पे मैंने पैकेट को खोल लिया और अब इसको बाउल में करेंगे। तो दोस्तों, ये ककड़ी के बीज आप देख सकते हैं कैसे होते हैं दिखने में। हाथ में आप देख सकते हैं ये थापा। तो इससे लाइनिंग मार के हम उसके बीच में बीजों को डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लाइन मार लेंगे। तो इसी लाइन के अंदर हम बीजों को डाल देंगे। तो दोस्तों, इसमें जो बीज बीजने का तरीका है वो उसमें डिस्टेंस भी देखना होता है, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए उसमें। तो चलिए बीज को बीजते हैं। यहाँ पे मैंने बीज को ले लिया, तो मैंने यहाँ पे बीज दिया। कम से कम दोस्तों 15 सेंटीमीटर का गैप रखना होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको पास से दिखाएंगे कितना डिस्टेंस रखना है। तो एक बीज मैंने यहाँ पे बीजा हुआ है और जो दूसरा है वो इतने गैप में यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम सभी बीजों को 15-15 सेंटीमीटर का गैप देके लगा देंगे। फाइनली दोस्तों, जो हमने रो बनाई थी उन सभी में हमने बीजों को बीज दिया। अब हम इसे किस प्रकार से ढकेंगे तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इस प्रकार से हम इसको ढकते रहेंगे दोनों साइड से। इस तरीके से हम बीज को अच्छे से ढक देंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर बीजों को मिट्टी से ढक दिया और दोस्तों इनको कम से कम निकलने में 15 या 20 दिन का टाइम लग जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी यह बात समझाना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कहीं भी थोड़ी सी स्पेस या कोई जगह खाली है, आप उसमें सब्जी या कोई ककड़ी वगैरह आप भी ज़रूर लगाएं और इससे सेहत अच्छी रहती है। अगर हम बाज़ार से कोई सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो वो इतना मतलब अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा केमिकल डाला होता है उनमें। तो जितना हो सके हम जो सब्ज़ियाँ घर में बीजते हैं वो ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। टाटा, बाय बाय।